आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में, कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जो शुरुआती अवस्था में महिलाओं में देखने को मिलते हैं जब उनकी बच्चेदानी खराब होने लगती है। उस दौरान बहुत बार महिलाएं इसको नजरअंदाज कर देती हैं और इस वजह से आगे चल के उनको ऑपरेशन करके अपनी बच्चेदानी निकलवानी पड़ती है। लेकिन अगर शुरुआत में ही जो इसके लक्षण हैं उनको हम अगर इग्नोर ना करें, उनको नजरअंदाज ना करें, किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, तो फिर ये जो बच्चेदानी की समस्या है इससे छुटकारा पाया जा सकता है, बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाने से बचा जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमको पहले ये जानना पड़ेगा कि कौन से ऐसे संकेत हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं जो हमको ये बताते हैं कि हमारी जो बच्चेदानी है वो खराब होने की स्थिति में आ रही है, उसमें किसी भी तरह की कोई बीमारी लग गई है। तो इसके लिए हमको ये वीडियो पूरी तरह से देखनी पड़ेगी। जब आपको पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो अगर हम स्टार्टिंग में बात करें तो महिलाओं के अंदर जो बच्चेदानी होती है जिसको हम गर्भाशय कहते हैं, इसकी वजह से ही महिलाओं में फर्टिलिटी का प्रोसेस होता है, प्रेगनेंसी का प्रोसेस होता है, महिलाओं को गर्भ ठहरता है, वो अपनी प्रेगनेंसी को कंप्लीट करके एक हेल्दी बच्चे को जन्म देती हैं और फिर माँ बनती हैं। तो ये सारा प्रोसेस किस वजह से हो रहा है, ये जो बच्चेदानी होती है उसकी वजह से हो रहा है। अगर उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो जाए, छोटी या फिर बड़ी, तो ये एक महिला के लिए बहुत बड़ा हेल्थ इशू क्रिएट कर सकता है। यहाँ तक कि कई बार महिलाएं माँ बनने से भी वंचित हो जाती हैं, उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, या फिर अगर प्रेगनेंसी कंसीव भी होती है तो वो कंप्लीट नहीं होती है, वो बच्चे को प्रॉपर बर्थ नहीं दे पाती हैं, या फिर उनको बीच में ही जो बच्चा है वो खराब हो जाता है, या फिर न चाहते हुए भी उनको अपनी बच्चेदानी समय से पहले ही निकलवानी पड़ती है और बहुत सारे उनको कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर किसी भी महिला की बच्चेदानी खराब हो रही है तो शुरुआत में उसको कौन से लक्षण दिखेंगे, तो इसमें पहला लक्षण देखने को मिलता है हैवी या फिर लॉन्ग ब्लीडिंग। मतलब कि जब भी फीमेल्स को पीरियड आएंगे, उनका मासिक जो धर्म होता है जब वो शुरू होगा, तो उस दौरान उनको जो ब्लीडिंग होगी वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत अधिक अमाउंट में होती है और लंबे समय तक होती है। जैसे अगर नॉर्मली हम देखें तो फीमेल्स को क्या होता है कि जो पीरियड्स होते हैं वो 1 से 4 दिन के रहते हैं, किसी किसी के क्या होता है 5 दिन का भी हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी महिला के जो पीरियड्स हैं वो 1 हफ्ते तक रहते हैं, 10 दिन तक रहते हैं और ब्लीडिंग भी ज्यादा में होती है, तो उस दौरान उसको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चेदानी खराब होने की शुरुआती अवस्था होती है उसमें सबसे कॉमन जो लक्षण होता है वो यही होता है कि उसके जो पीरियड्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या होगा कि पहले महीने मान लीजिए सही से आ रहा है, फिर 2 महीने 3 महीने बाद जो भी मेंसेस आएंगे वो इरेगुलर हो जाएंगे, अच्छे से नहीं आएंगे, या फिर अगर आएंगे भी तो बहुत लंबे समय तक रहते हैं और बहुत अधिक अमाउंट में ब्लीडिंग भी होती है। अगर बार बार ऐसा हो रहा है कि मान लीजिए कि अभी सही आ रहा है, 2 महीने बाद फिर गड़बड़ हो जा रहा है, फिर 1 महीने सही आ रहा है, अगले महीने फिर गड़बड़ हो जा रहा है, फिर 3 महीने ठीक है, फिर गड़बड़ हो जा रहा है, ऐसा अगर बार बार हो रहा है तो वहां पे आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, किसी भी महिला गायनेकोलॉजिस्ट से आपको संपर्क करना चाहिए ताकि समय रहते इसका उपचार किया जा सके, क्योंकि ये आगे आपके लिए बहुत बड़ी समस्या भी पैदा कर सकता है। इसलिए इसको बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। महिलाओं में ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है पीरियड से संबंधित। अधिकतर उनको कंप्लेन रहती है कि जो उनका पीरियड्स होता है या तो कम आएगा या तो ज्यादा आएगा, या फिर जो उनकी लाइफ साइकिल होती है, मतलब कि जैसे 28 दिन या फिर 30 दिन पे जो पीरियड आने रहते हैं वो या तो 15 दिन पे ही आ जाएंगे, 20 दिन पे आ जाएंगे, और जो 3 से 4 दिन रहना चाहिए वो 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक वो पीरियड्स रहते हैं। तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको दिख रहे हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करने चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपकी जो बच्चेदानी है वो खराब हो सकती है। नेक्स्ट इसमें सेकेंड लक्षण देखने को मिलता है लेग पेन एंड बैक पेन। जब भी बच्चेदानी की समस्या होती है, गर्भाशय से संबंधित समस्या होती है, तो उस दौरान महिलाओं की कंप्लेन होती है कि उनको पैरों में बहुत अधिक दर्द हो रहा है, साथ ही उनको कमर दर्द की समस्या तो जरूर रहती है। पैर दर्द कभी कभी नहीं होता लेकिन कमर दर्द तो जरूरी रहती है। ऐसा किस वजह से होता है, जैसे अगर हम देखें तो ये जो महिलाओं का गर्भाशय होता है वो कुछ इस तरह से होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। 2 ओवरी होती हैं, एक ये गर्भाशय होता है और इस गर्भाशय में
तीन परत होती हैं। एक सबसे अंदर की परत होती है जिसको हम इंडोमेट्रियम बोलते हैं, ये अंदर वाली परत, और इसके बाद ये बीच में एक परत होती है, और फिर ये बाहर एक परत होती है। तो बीच वाली जो परत होती है इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। तो ये जो गर्भाशय की तीनों परत होती है, इनमें अगर किसी भी तरह का कोई संक्रमण हो जाए या फिर कोई गांठ हो जाए, कोई पॉलिप्स हो जाए, जैसे अगर यहीं पे कोई गांठ हो जाए, पॉलिप्स हो जाए, इस लेयर में चाहे इस लेयर में, चाहे इसके बाहर वाली जो लेयर होती है उसमें, या फिर जो ये ओवरी होती है इसमें, कहीं पे भी, तो इसकी वजह से जो महिला होती है उसको कमर दर्द की समस्या, साथ ही पीरियड से संबंधित समस्याएं होने लगती है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई गांठ हो गई या फिर इसमें किसी भी तरह का संक्रमण हो गया, अगर ये लेयर है, ये परत है, इसमें किसी भी तरह का संक्रमण हो गया, तो जहां पे संक्रमण होगा वहां पे सूजन जरूर होगी। अब जब यहाँ पे संक्रमण है तो इसमें सूजन भी होगी, जब सूजन होगी तो यहाँ के जो लिगामेंट्स होते हैं उन पे क्या होगा, एक तरह से दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। अब यहाँ के जो लिगामेंट है उन पे दबाव पड़ेगा, साथ ही यहाँ की जो नर्व होती है उन पे दबाव पड़ेगा, और इस वजह से महिला को पेन फील होगा, उसको दर्द महसूस होगा, क्योंकि यहाँ का एरिया क्या हो रहा है, दब रहा है। और इसकी वजह से एक और समस्या होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, इसको बोलते हैं कब्ज। अगर महिला को लगातार कब्ज की समस्या रह रही है तो इस वजह से भी उसको बचदानी की समस्या हो सकती है, क्योंकि अगर कब्ज की समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, उसका पेट साफ नहीं होता है, तो उसकी वजह से जो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जिसको हम बड़ी आंत कहते हैं, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसके जो गट्स होते हैं या फिर इसमें जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होता है वो अच्छे से नहीं होता है, और इस वजह से जो महिला होती है उसको कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज की समस्या होती है, या फिर अगर उसका मान लीजिए कि उसका जो डाइट पैटर्न है वो अच्छा नहीं है, जो वो खाना ले रही है उसमें फाइबर बहुत कम अमाउंट में है, या फिर वो पानी बहुत कम मात्रा में पी रही है, इस वजह से भी उसको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या हो जाती है। तो अगर कंटिन्यू उसको कब्ज की समस्या रह रही है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रह रही है, तो ये भी शुरुआती लक्षण होता है कि उसकी जो बच्चेदानी होती है उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही है। क्योंकि अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, सूजन हो रही है, तो इसकी वजह से जो भी इसके आसपास के अंग होंगे उन पे एक दबाव, एक प्रेशर पड़ेगा, और इस वजह से ये जो कॉन्स्टिपेशन का लक्षण है ये उभर के सामने आएगा। ये जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन अगर महिला को है तो उसको बच्चेदानी की समस्या हो ही, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये एक लक्षण हो सकता है। अगर महिला को लगातार ये समस्या हो रही है कि उसको कब्ज है, तो शायद उसको बच्चेदानी की समस्या हो सकती है, इसीलिए उसको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जब डॉक्टर से संपर्क करेगी, अपनी समस्याएं बताएगी, तो प्रॉपर उसका डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर वो लंबे समय तक इन चीजों को अवॉइड कर रही है, इग्नोर कर रही है, नजरअंदाज कर रही है, तो इसकी वजह से इसको बहुत बड़ी समस्या भी झेलनी पड़ सकती है। नेक्स्ट इसमें फोर्थ लक्षण देखने को मिलता है मिसकैरेज। नेक्स्ट इसमें समस्या है मिसकैरेज। मिसकैरेज में हम कह सकते हैं कि एक तरह से अगर महिला का जो प्रेगनेंसी है वो बार बार लॉस हो रही है, खराब हो रहा है उसका बच्चा बार बार, तो ये भी एक संकेत होता है कि जो उसकी ये बच्चेदानी है, ये गर्भाशय है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से सपोर्ट उसका नहीं कर रहा है, इसमें कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। हो सकता है कि इसमें हार्मोनल प्रॉब्लम हो, या फिर ये हो सकता है कि इसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है कि इसमें फंक्शनल प्रॉब्लम हो, मतलब कोई भी समस्या हो सकती है। बार बार प्रेगनेंसी का लॉस होना, बार बार एक तरह से गर्भपात होना, एबॉर्शन होना, मिसकैरेज होना, ये इस बात का संकेत है कि बच्चेदानी क्या है, एक तरह से कमजोर हो रही है। वो प्रॉपर आपका जो भी कंसेप्शन का प्रोडक्ट है, जो बच्चा है, जैसे जैसे वो बढ़ रहा है उसको वो होल्ड नहीं कर पा रही है, वो सपोर्ट नहीं दे पा रही है, और इस वजह से बच्चा क्या है, एबॉर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी भी महिला को बार बार ये समस्या हो रही है, उसका जो भी प्रेगनेंसी वो लॉस हो जा रही है, उसको मिसकैरेज हो जा रहा है, तो उसको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी मेडिसिन उसको नहीं लेनी चाहिए, या फिर कहीं पे भी ऐसी ऐसी जगह पे उसको नहीं दिखाना चाहिए। सबसे पहले एक अच्छे से डॉक्टर से संपर्क लेना चाहिए, क्योंकि मिसकैरेज वाली जो समस्या होती है ये नॉर्मल नहीं होती। अगर एक बार हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो फिर ये जानना जरूरी है कि किस वजह से हो रहा है। अगर बार बार ऐसा होता है तो ये जो आपकी बच्चेदानी है ये मे बी खराब हो सकती है, वहां पे आपको बच्चेदानी निकलवाने की भी नौबत आ सकती है, इसलिए इन सब चीजों को इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा अगर फीमेल को
यूरिन लीकेज की समस्या हो रही है, मतलब कि जैसे अगर उसको यूरिन लग रहा है, उसको पेशाब लग रही है, लेकिन ना चाहते हुए भी यूरिन उसको पास हो जा रहा है, पेशाब उसकी छूट जा रही है, तो ये भी एक संकेत होता है कि जो उसकी बच्चेदानी है, गर्भाशय है, उसमें किसी भी तरह की समस्या हो रही है। क्योंकि अगर इसमें समस्या होगी, बच्चेदानी में समस्या होगी, तो इसके आस पास के जो भी अंग है वो भी प्रभावित होंगे। तो अगर हम देखें तो जो गर्भाशय होता है वो कुछ इस तरह से होता है, और गर्भाशय के आगे की तरफ इधर होता है ब्लैडर, मतलब कि जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है, और इसके जस्ट पीछे होता है रेक्टम, मतलब कि जिसको हम मलगुहा कहते हैं, या फिर जहां पे वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होता है। तो अगर इस गर्भाशय में किसी भी तरह का संक्रमण हो रहा है, या फिर किसी भी तरह की कोई गांठ बन रही है, या फिर किसी भी तरह की सूजन हो रही है, तो इसकी वजह से जो भी इसके आसपास के ये अंग है ये भी प्रभावित होंगे, और जब ये प्रभावित होंगे तो दिक्कत होगी। अब जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सूजन हो रही है, जब सूजन होगी तो यहाँ की जो लेयर है ये क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अब सूजन होगी तो ये इसका जो दबाव है किस पे पड़ेगा, जो ये रेक्टम है इस पे पड़ेगा। अब जब रेक्टम पे दबाव पड़ेगा तो महिला को क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी, उसको कब्ज की समस्या होगी, जैसा कि अभी मैंने पहले बात की थी। इसी तरह से अगर उसको मान लीजिए कि इस वाले या इधर उसको सूजन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर मान लीजिए कोई गांठ ही हो गई है, तो अब इसका जो प्रेशर होगा वो किस पे पड़ेगा, ब्लैडर पे पड़ेगा। अब जब ब्लैडर पे दबाव पड़ेगा तो फिर उसको क्या होगा, यूरिन लीकेज की समस्या होगी। तो अगर शुरुआत में किसी भी महिला को ऐसे लक्षण दिख रहे हैं कि उसका पीरियड गड़बड़ हो रहा है, या फिर उसको कब्ज की समस्या हो रही है, या फिर उसको बार बार पेशाब छूट जा रही है, या फिर उसको हाथ पैर में या फिर कमर में बहुत अधिक दर्द हो रहा है, तो उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, उसको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। क्योंकि ये आपकी बच्चेदानी खराब होने के शुरुआती अवस्था के लक्षण होते हैं। तो अगर आप समय रहते किसी डॉक्टर से संपर्क करके इसका ट्रीटमेंट ले लेंगे तब तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे फिर आपके लिए बहुत बड़ा हेल्थ इशू भी बन सकता है। तो आई होप कि आज की वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।